Hey guys, this is Yagya Chhabra. Today we are start a new chapter which is income under the head salary. ये first head है, इसकी एक condition है कि आप salary के अंदर कब आएंगे. First है employee relationship. अगर ये आपकी income में ये attach हो जाता है तो आप किसके अंदर टैक्सेबल होंगे, सैलरी के अंदर. एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता क्या है. एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है जब ये जैसे एम्प्लॉयर है और बी एम्प्लॉय है, अगर ये इसको कंट्रोल कर रहा है या सिस्टमेटिक एक्टिविटी से इसे कंट्रोल कर रहा है तो ये होता है एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप. अब पढ़ते हैं अपन चार्जिंग सेक्शन. चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन मतलब कौन सी इनकम सैलरी के अंदर आएगी और कब वो टैक्सेबल होंगी, कब वो टैक्सेबल होंगी. तो चार्जिंग सेक्शन बोलता है सैलरी आपको जब भी ड्यू होगी या आपकी रिसीव होगी तब वो इन दोनों में से जो भी पहले होगा अर्लियर तब वो टैक्सेबल होगी. मतलब आपकी जब सैलरी ड्यू हो गई, जैसे हर महीने की 30th को वो ड्यू हो जाती है तब वो टैक्सेबल होगी. और रिसीव जैसे आपको जो 30 तारीख की थी, जैसे अप्रैल की ड्यू होनी थी 30th अप्रैल को, तब वो टैक्सेबल होती. बट आपने अप्रैल की जो सैलरी है वो मार्च में ले ली, मतलब एडवांस सैलरी ले ली है, तो तब ये टैक्सेबल होगी. तो दोनों तरफ से आप या रिसीव हो या डी हो, जो भी पहले हो जाए वो उस पर टैक्स को आपको देना पड़ेगा. तो अब पढ़ते हैं इसमें क्या क्या अपन पढ़ेंगे. फर्स्ट पढ़ेंगे अपन अलाउंसेस इसके अंदर, दूसरे परक्विसाइट्स, परक्विसाइट्स जिन्हें प्यार से पर्क्स बोलते हैं. थर्ड पढ़ेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स. फोर्थ है डिडक्शंस अंडर द हेड सैलरी में, जो सेक्शन 16 में दिए हैं. तो पहले अपन अलाउंसेस पढ़ेंगे, सेकंड परक्विसाइट्स पढ़ेंगे, थर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट एंड फोर्थ डिडक्शंस. अगर इनको पढ़ लिया तो अपना सैलरी चैप्टर कंप्लीटेड. तो पहला है अलाउंसेस की सिंपल डेफिनेशन है, ए एम्प्लॉयर है, बी एम्प्लॉई है. क्या है, बी एम्प्लॉई है, ए एम्प्लॉयर है. ए ने कुछ अमाउंट लाइक 100 रुपीज बी को दिए फॉर उसने क्लोथ खरीदने के लिए, नए कपड़े खरीदने के लिए क्लोथ्स. उसने इसे कैश दिया है क्लोथ्स लेने के लिए. तो यो इसने इससे कपड़े खरीदे तो वो एक होता है अलाउंसेस. बेसिक सैलरी तो उसकी कितनी थी, बेसिक सैलरी थी 5000 जो उसको मिलनी थी. उसके अलावा उसने 100 रुपए दिए हैं फॉर परचेजिंग क्लोथ, दिस इज कॉल्ड अलाउंसेस. तो आपको अलाउंसेस समझ में आ गया. तो अब अलाउंसेस कितने टाइप के होते हैं, अलाउंसेस होते हैं 3 टाइप के. ओके, फर्स्ट होता है टैक्सेबल अलाउंसेस. सेकेंड इज पार्टली टैक्सेबल. और थर्ड होता है टैक्स फ्री अलाउंसेस. तो अपन धीरे धीरे करके पढ़ते हैं. पहले टैक्स फ्री अलाउंसेस में देखते हैं कौन कौन से टैक्स फ्री अलाउंसेस हैं. फर्स्ट है
कन्वेयंस अलाउंसेस, कन्वेयंस अलाउंसेस। कन्वेयंस अलाउंसेस, कन्वेयंस अलाउंसेस मतलब जो आप घर से लेकर ऑफिस तक जाते हैं जिस गाड़ी से, वो आपकी एक नीड है कि आप उसके बिना आप घर से ऑफिस में नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए वो कन्वेयंस अलाउंसेस टैक्स फ्री अलाउंसेस है। यूनिफॉर्म अलाउंसेस, अलाउंसेस आपको जो एक कुछ किसी कंपनी की होती है कि आपको यूनिफॉर्म पहन के आना है, तो वो यूनिफॉर्म अलाउंसेस। थर्ड इज हेल्पिंग अलाउंसेस, हेल्पिंग अलाउंसेस मतलब आपको कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट दिया गया है ऑफिस के वर्क से, तो आप अकेले नहीं कर पाएंगे तो आपको हेल्पर्स की जरूरत पड़ती है, तो हेल्पिंग अलाउंसेस। डेली अलाउंसेस, डे टू डे नीड को फुलफिल करने के लिए डेली अलाउंसेस। तो ये जो चार अलाउंसेस है, इसकी जो डेफिनेशन है, जो टैक्स फ्री अलाउंसेस की जो डेफिनेशन है, वो बोलती है कि ऑफिस ऑफिस के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए, लाइक आप कोई कन्वेयंस अलाउंसेस, लाइक आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो आपको कन्वेयंस अलाउंसेस टैक्स फ्री अलाउंसेस है। यूनिफॉर्म, आप ऑफिस के लिए यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं तो टैक्स फ्री अलाउंसेस है। हेल्पिंग अलाउंसेस मतलब आप ऑफिस का काम कर रहे हैं तो उसके लिए हेल्पिंग अलाउंसेस। डेली अलाउंसेस जो आप डे टू डे खर्च कर रहे हैं तो वो डेली अलाउंसेस है। तो ये किसके लिए हो रहे हैं? ऑफिस यूजर्स के लिए, तो इसलिए वो टैक्स फ्री अलाउंसेस है। अब सेकेंड आते हैं अपन, पार्टली टैक्स फ्री, पार्टली टैक्स फ्री। ओके, पार्टली टैक्स फ्री में पहला है एजुकेशन अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंसेस। जो गरीब है, पुअर है, पुअर है, तो उनके लिए उन्होंने एजुकेशन अलाउंसेस किया है कि 100 रुपीज रुपीज पर मंथ एंड पर चाइल्ड, पर मंथ एंड पर चाइल्ड मैक्सिमम ऑफ ऑफ टू चाइल्ड, मतलब दो चाइल्ड से ज्यादा को आपको 100 रुपीज का अलाउंसेस ज्यादा नहीं मिल सकता है। तो ये क्या हो गया है? एजुकेशन अलाउंसेस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एंड मैक्सिमम ऑफ टू चाइल्ड। सेकंड है हॉस्टल अलाउंसेस, जिसके बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं वो हॉस्टल में रहते हैं तो उसका हॉस्टल अलाउंसेस, इसमें है 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड और मैक्सिमम ऑफ टू चाइल्ड। बिल्कुल सेम टू सेम है। अब थर्ड पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। इसमें दो टाइप की चीजें हैं, या ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है आपका, ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, या ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेबल सर्विसेज है, सर्विसेज। पहले अपन ट्रांसपोर्टेबल बिजनेस पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेबल बिजनेस मतलब आप कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस में काम करते हैं, आपको इधर से उधर जाने का वो पड़ता है, तो आप को अलाउंसेस जो एग्जेम्प्ट होगा वो अलाउंसेस होगा 10,000 और 70% ऑफ दी अलाउंसेबल अमाउंट, अमाउंट मतलब 10,000 हो जाएगा या 70% हो जाएगा, जो भी कम होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेबल सर्विस। अब ट्रांसपोर्ट सर्विस में क्या है? ट्रांसपोर्टेबल सर्विस मतलब आपकी जो सर्विसेज है
वो एकदम फिक्स नहीं है, हर जगह ट्रांसफर होता है, कभी कभी दिल्ली में है तो कभी मुंबई में। तो आपको जो ट्रांसपोर्टेबल सर्विस है, तो उसमें दो तरह के लोग हैं, एक नॉर्मल लोग हैं जो फिट हैं, और एक हैंडीकैप्ड हैं जो अनफिट हैं। इन्हें 800 रुपीज़ पर मंथ का अलाउंसेस होता है, और इसे डबल कर दीजिए तो हैंडीकैप्ड का होता है 1600 रुपीज़ पर मंथ। तो ये हो गए ट्रांसपोर्टेबल अलाउंसेस। थर्ड पढ़ते, फोर्थ पढ़ते हैं अपन हाउस रेंट अलाउंसेस। आपने किसी को, जैसे किसी कोई दिल्ली आया, आपने बुलवाया, मैंने एक रिक्रूट किया एक पर्सन को जो दिल्ली में रहता नहीं है, लोकलाइट नहीं है, उससे नहीं आया है। मैंने उसको एक अलाउंसेस दे रहा हूँ, किसके लिए, घर के लिए, कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, आप एक घर लेके रह लीजिए। तो उसके लिए वो मैंने अलाउंसेस दिया। अब मैंने अलाउंसेस दे तो दिया, अब वो कितना टैक्सेबल होगा, उसको निकालने के लिए तीन कंडीशन है इसमें। फर्स्ट है एच आर ए, मतलब जितना है उतने ही टैक्सेबल हो जाए। दूसरा एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। ओके, इसको मैं अभी समझाता हूँ। फोर्थ है 50% ऑफ सैलरी सैलरी इफ ही लिव इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। अगर वो चार सिटी में रहता है तो 50% ऑफ सैलरी, और अगर कहीं और रहता है तो 40% ऑफ सैलरी। अब मैं इसे आपको समझाता हूँ अच्छे से। फर्स्ट, इसमें से जो लीस्ट होगा, लीस्ट ऑफ थ्री, जो कम होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब या तो आप एक्चुअल एचआरए को टैक्सेबल कर दीजिए, या एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। मतलब आपने 5000 सैलरी ली है, लेस कर दीजिए 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी हुआ अपना 1000, तो आपका आ गया 4000 अमाउंट। ओके, अब यहाँ है 50% ऑफ सैलरी। तो 50% ऑफ सैलरी, इस सैलरी का जो मीनिंग है वो है आपकी बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंसेस, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट वाले हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन। ये जो सैलरी आएगी इस पे, उसका ये 50% निकलेगा। तो एक बार और समझा देता हूँ सैलरी को। मीनिंग बेसिक सैलरी आपकी, मतलब जो बेसिक सैलरी होती है बेसिक को की है, और डीएनएस अलाउंसेस जो महंगाई भत्ता होता है वो कब दिया जाता है, जो रिटायरमेंट बेनिफिट के समय दिया जाता है उसे इंक्लूड कीजिए। बाकी जो डीएनएस अलाउंसेस है, जो जो आपको ईयर टू ईयर मिलता है वो मत, जो रिटायरमेंट बेनिफिट के टाइम मिलेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए मिलता है जो डीएनएस अलाउंसेस, उसको ऐड कीजिए। प्लस अगर कोई कमीशन मिली है आपको फिक्स परसेंटेज पे, तो वो ऐड कर दीजिए। मेरी बेसिक सैलरी थी एक्स एक्स, डीएनएस अलाउंसेस रिटायरमेंट बेनिफिट एक्स 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 एक्स, तो ये मेरी आ गई सैलरी एक्स एक्स। इसका जो सैलरी होगी, इसका मैं क्या निकालूंगा, 50%। इस पे मेरी 50% आया 3000 रुपीज़, और अगर मैं कहीं और रहता हूँ तो इसका 40% निकल जाएगा। तो ये भी आया अपन मानते हैं 3000, और एक्चुअल एचआर मिला था 5000। ओके, तो इसमें से लीस्ट कौन है, 4000। लीस्ट सबसे कम कौन सा है, 3000।
तो मेरा जो 5,000 था एक्चुअल एचआरए, उसमें से मेरा 3,000 एग्जेम्प्ट हो गया जो लिस्ट ऑफ थ्री है, तो मेरा टैक्सेबल कितना होगा 2,000। तो ये है मेरी टैक्स लाइबिलिटी 2,000 पे। ओके, तो समझ में आ गया। एक्सेस मतलब प्लस है और रेंट पेड माइनस थ्री है। तो जो 5,000 था उसमें से 10% ऑफ सैलरी 1,000 आया, तो 4,000 हो गया, और 50% ऑफ सैलरी अपन निकाल लिया था। तो सैलरी का मीनिंग बेसिक प्लस डीए प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन। समझ में आया? तो ये हो गए आपके खत्म पार्शली टैक्स टैक्सेबल अलाउंसेस। अब टैक्स फ्री अलाउंसेस क्या है? टैक्स फ्री अलाउंसेस, सॉरी टैक्सेबल अलाउंसेस। टैक्सेबल अलाउंसेस बाकी सब है जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते। फर्स्ट डीएनएस अलाउंसेस, दूसरा सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, अलाउंसेस, और थर्ड है सर्विसिंग अलाउंसेस। ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो टैक्सेबल अलाउंसेस है, बट जो टैक्स फ्री अलाउंसेस और पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस है वो सिर्फ इतने ही है। तो मैं इसके आगे एक्सेप्शन लगाता हूँ। इसमें अनगिनत अलाउंसेस हैं जो कि हर कंपनी अपनी 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 सर्विसेज के हिसाब से अलाउंसेस देती रहती है। अब पढ़ते हैं अपन पर की साइट्स, पर क्यू साइट्स, इन्हें प्यार से पर्क्स बोलते हैं। इसे मैं हिंदी में बोलता हूं एहसान। मतलब इसका मतलब क्या है? ए एक एम्प्लॉयर है, बी एम्प्लॉई है। इसने इसको एक घर दे दिया, हाउस, हाउस। बेसिक्स बेसिक वेजेस कितनी थी? 5,000। उसके अलावा इसने एक हाउस दे दिया। तो गवर्नमेंट यहां देख रही है कि ये एम्प्लॉयर बी को हाउस दे रहा है, कभी वॉशिंग मशीन दे रहा है, और ये तो टैक्स दे नहीं रहा है। मतलब इसे, मतलब अदर देन कैश बहुत सारी चीजें दे रहा है और हमारे पास यहां पर इनकम हो नहीं रही। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इनकम टैक्स से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो अपना सीबीडीटी है उससे बोला कि आप एक ऐसा ही चीज निकालो कि इसकी अपन जो कैलकुलेशन है कैलकुलेशन करें और इनको अपन मनी में कैलकुलेट कर लें, मनी में अपन कैलकुलेट कर लें, जैसे वॉशिंग मशीन को मनी में कन्वर्ट करें और उसको टैक्सेबल कर दें। तो इनकम टैक्स ने, जैसा गवर्नमेंट ने बोला, उसने ऐसा करा कि अब अपन पर्क्स की भी कैलकुलेशन करते हैं, उनकी अमाउंट निकालते हैं, उसे टैक्सेबल करते हैं। तो पहला अपना जो पर्क्स होते हैं, पर्क्स में एक डेफिनेशन है स्पेसिफाइड पर्सन, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। ये जो पर्सन हैं उनके लिए जो हर जो पर्क्स होगा वो टैक्सेबल पर्क होगा। मतलब उसकी जितनी भी अमाउंट है, जितनी भी अमाउंट लाइक 100 रुपीज निकलती है, तो वो 100 रुपीज भी टैक्सेबल होंगे। तो स्पेसिफाइड पर्सन में कौन कौन आता है? फर्स्ट है डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, जो कंपनी के एम्प्लॉयर वो दे रहा है वो डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। 20% ऑफ बेनिफिशियरी और वोटिंग पावर, जिसके पास 20% की शेयर्स हैं या वोटिंग पावर है वो, और जिनकी जीटीआई, जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड करती है 50,000 एक्सक्लूडिंग पर्क्स, क्योंकि वो तो अपन निकाल ही रहे हैं। पर्क्स 50,000 से एक्सीड करती है तो ये वो स्पेसिफाइड पर्सन में आएगा। तो एक बार और देख लेते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन होता क्या है? फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी, सेकंड 20% बेनिफिशियरी है या वोटिंग पावर है उसके पास, या उसकी जीटीआई 50,000,
50,000 से एक्सीड कर रही है। तो ये तीनों पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन में आएंगे और इनके लिए हर पक्ष टैक्सेबल होगा। अब अपन पक्ष की बात करते हैं। पहला पक्ष है मेरा मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब आप कहीं दिल्ली मेली में जॉब कर रहे हैं और एम्प्लॉयर ने आपको एक घर दे दिया वो भी फ्री में, तो अपन उसकी टैक्सेबल कैसे करेंगे। फर्स्ट है, मैं तीन डॉट बनाऊंगा। फर्स्ट एमपीस और एमएलएज होते हैं, या एससी का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस। ओके। सेकेंड है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज। और थर्ड में अपन अदर्स, इनको कर दो एग्जेम्प्ट, मतलब इनके लिए कोई टैक्स नहीं है। इनको भी कर दो एग्जेम्प्ट, मतलब इनके लिए भी कोई टैक्स नहीं है। इनके लिए अब आगे चलिए आप, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं उनके ऊपर उतर भार पड़ता ही है। तो अदर्स क्या है, अदर्स अगर आपके जो आपने घर दिया है वो ओन्ड है या आपने रेंट पे लिया है, दो बातें हो सकती हैं। अगर ओन्ड है, अगर ओन्ड है तो उसकी कंट्री, उस जो सिटी है उसकी पॉपुलेशन देखेंगे। पहली इस पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, कम है, और या उस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से अबव है लेकिन 25 लाख से कम है। फिफ्थ में, थर्ड में 25 लाख से अबव है। तो ये तीन कंडीशन है। अगर 10 लाख से कम है तो 7.5, अगर 10%, अगर 10 लाख से अबव है और 25 लाख से, और फिर थर्ड है 15% आपका टैक्सेबल होगा। और अगर रेंट पे लिया गया है तो 15% ऑफ सैलरी सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड पेड विच एवर इज लोअर, मतलब आपका अगर ये ओन्ड है तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी या 15% ऑफ सैलरी, और अगर आपने रेंट पे लिया है तो 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड विच एवर इज लोअर। ओके, ये हो गया रेंट फ्री अकोमोडेशन। और हाँ, ये अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन है, ये इसका, ये अनफर्निश्ड का है, फर्निश्ड मतलब इसमें मैंने सिर्फ एक सिंपल सा घर दिया है, उसमें कोई फर्नीचर नहीं है, तो ये रेंट फ्री अकोमोडेशन अनफर्निश्ड। और अगर फर्निश्ड होता, फर्निश्ड होता मतलब मैंने इसके साथ कोई वॉशिंग मशीन या घर मर में साथ उसको टेबल मेबल का दे दिया, तो वो या ओन्ड होगा या फिर रेंट पे लिया गया होगा। अगर ओन्ड होगा तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट इज टैक्सेबल। अगर ओन्ड होगा वो, सॉरी, रेंट पे हुआ तो जो रेंट पेड करेंगे, रेंट पेड जो एक्चुअल में, एक्चुअल रेंट पेड इज टैक्सेबल। ओके, ये अनफर्निश्ड था, ऊपर वाला अनफर्निश्ड था। अब आगे पढ़ते हैं अपन। इसके लिए सैलरी क्या होगी, जो अपन ने अभी करा था 5, 7.5, इसके लिए सैलरी लिख लीजिए आप। सैलरी बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, जो अपन अलाउंसेस में पढ़ा था, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस मॉनेटरी बेनिफिट्स
इसको अपन एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट बेसिक वेजेस लाइक 5000 था, 5000 ऐड कर लिया। डीएनएस अलाउंसमेंट रिटायर बेनिफिट वाला, मतलब जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जो डीएनएस अलाउंसेस जा रहा है वो लाइक एक्सेस प्लस कर दिया। प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस, जो अपन अभी अलाउंसेस पढ़े थे जो टैक्सेबल अलाउंसेस है उसे ऐड कर दीजिए लाइक एक्सेस। और कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट है लाइक आपको कैश में कुछ मिला है उसे ऐड कर लीजिए। जो अब सैलरी आएगी लाइक इस जो जिसकी सैलरी आई उसका जो ऊपर अपन 7.5, 15, 10% निकाला है इसके ऊपर करके उसका टैक्सेबल होगा। ओके अब पढ़ते हैं अपन मेडिकल बेनिफिट्स। दूसरा है मेडिकल बेनिफिट्स। इसमें मैं दो पॉइंट बनाता हूँ, दो पॉइंट। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल हॉस्पिटल या लोकल अथॉरिटी में आप अपना इलाज करवाते हैं तो वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल की वजह आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करेंगे तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर आप नहीं करवाते हैं या तो फिर वो ओन्ड होगा या फिर अदर्स में होगा। अगर वो ओन्ड भी हुआ तब भी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पर अगर अदर्स हुआ, अदर्स हुआ तो वो अपन देखेंगे उसके लिए या तो वो स्पेसिफाइड डिसीज है, स्पेसिफाइड डिसीज है डिसीज या अनस्पेसिफाइड है। मतलब स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड इनकम टैक्स टैक्सेशन में लिखा हुआ है, बहुत सारी स्पेसिफाइड डिसीज है। अगर स्पेसिफाइड डिसीज है तो वो जो इनकम टैक्स ने इसके लिए कुछ जो फिक्स किए हैं तो वो जो टैक्सेबल होगी। और यहाँ पर 1,50,000 टैक्सेबल होगा, सॉरी एग्जेम्प्ट होगा। एक बार और देख लेते हैं इसे। अगर वो स्पेसिफाइड डिसीज है तो इनकम टैक्स के अंदर वो उसकी जो परसेंटेज है वो मेंशन होगी। अगर अनस्पेसिफाइड डिसीज है तो 1,50,000 रुपीज एग्जेम्प्ट होगा आपका, अगर वो नॉन अनस्पेसिफाइड डिसीज है। अगर वो स्पेसिफाइड डिसीज है, स्पेसिफाइड डिसीज है, इसको मैं यहां पर ला रहा हूं, स्पेसिफाइड डिसीज है तो आपने अगर रिकग्नाइज हॉस्पिटल हॉस्पिटल में इलाज करवाया है या फिर अनरिकग्नाइज रिकग्नाइज्ड। और अगर अनरिकग्नाइज किया है तो जो 1,50,000 यहां थी लिमिट वो यहां भी आ जाएगी, 1,50,000 एग्जेम्प्ट। और आपने अगर रिकग्नाइज करवाया तो इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट मेंशन करेगा। तो ये हो गया अपना मेडिकल बेनिफिट फ्रॉम, ये इंडिया के थे, अगर आप इंडिया में करवा रहे हैं। अब अब्रॉड का पढ़ेंगे अपन। अब्रॉड मेडिकल बेनिफिट फिट्स अब्रॉड। अगर आप कहीं मेडिकल बेनिफिट से जाते हैं तो आपको तीन चीज देनी पड़ती हैं, या तो फिर बिल्स जो मेडिकल हैं, मेडिकल बिल्स, लॉजिंग जहां पर आप ठहरते हैं स्टे करते हैं लॉजिंग, थर्ड इज ट्रैवलिंग। ये जो दोनों हैं इनके ऊपर एग्जेम्प्ट, और इसकी एक कंडीशन है, इसकी एक कंडीशन ये है कि अगर आपकी जीटीआई जो ग्रैंड टोटल इनकम होती है, ग्रॉस टोटल इनकम, वो अगर 2 लाख से एक्सीड करती है, प्लस में जा रही है मतलब एक्सीड कर रही है, तो आप टैक्सेबल होंगे ट्रैवलिंग के लिए। और अगर नहीं है
नहीं जा रही है तो आप एग्जेम्प्ट, मतलब आपका ये पूरा सेक्शन एग्जेम्प्ट। एक बार और देख लेते हैं, अगर मेडिकल बेनिफिट अब्रॉड है तो बिल और लॉजिंग एग्जेम्प्ट है। ट्रैवलिंग आपकी GTI के ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर आपकी 2 लाख से ऊपर ज्यादा GTI जा रही है तो टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर नहीं तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, तो अब यहां चलते हैं अपन, अब पढ़ते हैं अपन एजुकेशनल बेनिफिट। एजुकेशनल बेनिफिट्स, इसमें बोला है ये हाई कोर्ट की कंट्रोवर्सी है, अभी इसके ऊपर फैसला नहीं आया है, कंट्रोवर्सी है, पर जब तक ये कंट्रोवर्सी है तब तक मैं आपको बता देता हूं कि मैक्स $10,000 पर मंथ पर चाइल्ड का आपको पर्क्स मिल सकता है हाई कोर्ट की कंट्रोवर्सी है, बट इसका अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया तो मैं आपको आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये अभी इसका जो सेक्शन है वो भी अप्रूव नहीं हुआ है, तो इसे अपन अभी छोड़ देते हैं, बस इतना ही लिखा हुआ है सेक्शन में। अब अपन आगे पढ़ते हैं, यूज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। यूज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, यूज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, मतलब आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं जो, मतलब किसी एम्प्लॉय को जो यूज के यूजेबल हो, तो पहला होगा कंप्यूटर या लैपटॉप, सेकेंड है आपका मोटर कार, और लास्ट में है अदर्स। अगर आपने लैपटॉप दिया है या कंप्यूटर दिया है तो उसे एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो उस पर कोई टैक्सेबल नहीं है। मोटर कार एक बहुत बड़ा प्रोविजन है, उसे मैं अलग से सैलरी के अलग से समझाऊंगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो मोटर कार पे होगा तो आप वो देख लीजिए, मैं इसमें नहीं समझा रहा हूं। अदर्स में है ओन्ड है, या आपने रेंट पे लिया गया है, अगर ओन्ड है तो आप 10% जो उसकी कॉस्ट है उसका दे दीजिए, और रेंट पे दिया है तो एक्चुअल जो रेंट पेड करेंगे, रेंट पेड है वो दे दीजिए। तो सिंपल सा है, कंप्यूटर लैपटॉप पे तो एग्जेम्प्ट है, मोटर कार भी मैंने पढ़ाया नहीं है, अदर्स है तो 10%, अगर ओन्ड है 10% दे दीजिए, और अगर एक्चुअल रेंट पेड किया है, रेंट पे लिया है तो एक्चुअल रेंट पेड जितना किया है आपने वो दे दीजिए। तो अब आपका ये भी हो गया। अब है नेक्स्ट ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर ऑफ ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब आप अभी तो यूज करने दे रहे थे, अब आपने उसे दे ही दी हमेशा के लिए, तो वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें भी तीन चीजें हैं, कंप्यूटर है या लैपटॉप है, मोटर कार है या फिर अदर्स है। अगर कंप्यूटर लैपटॉप है तो आप कि जो 50% WDV फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स, मतलब आपकी जो जैसे अमाउंट है कंप्यूटर लैपटॉप की 10,000, तो आप जितने साल ईच कंप्लीटेड ईयर्स, मतलब जैसे आपका, मैं मानता हूं मेरा जो 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, और 1 साल का 1 मंथ भी हुआ तो वो भी 1 साल हो जाएगा, मतलब मेरे हो गए 4 साल, मतलब ईच कंप्लीटेड ईयर्स। लाइक अभी क्या चल रहा है, जनवरी 2016
15 जनवरी 2016 है, तो जनवरी 2016 का भी पूरा ले लेंगे, मतलब 16 कंप्लीट हो गया, तो ईच कंप्लीटेड ईयर्स माइनस 50% WDV, इसका 50% कितना होगा आप, 5 मतलब 5000 होगा, उसके हिसाब से आप उसकी वैल्यू आ जाएगी मोटर कार के लिए, यही WDV 20% हो गया, 20% WDV फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स, बट अदर्स के लिए है 10% SLM, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स। तो ये समझ में आया, अगर आप कोई ट्रांसफर कर रहा है, एक बार और देखते हैं अपन, अगर कोई ट्रांसफर कर रहा है क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो 50% ऑफ WDV फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स, ईच कंप्लीटेड ईयर्स मतलब जैसे मार्च चल रहा है, मार्च 2015, तो अपन ये जो 15 है उसे पूरा एक कंप्लीट ईयर्स ले लेंगे, और 50% से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करके जितने साल का है उतने साल का ले लेंगे। मोटर कार में वही जो 50% है वो 20% हो गई, बट अदर्स में 10% ऑफ SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से कंप्यूट करना है अपन को, तो हो गया ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं अपन, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट बॉक्स है रेंटीज, रेंट रेंटीज सप्लाई ऑफ ऑफ गैस वाटर या इलेक्ट्रिसिटी एसेट्रा, मतलब आप कुछ सप्लाई कर रहे हैं, लाइक गैस सप्लाई कर रहे हैं या वाटर सप्लाई कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी कम सप्लाई कर रहा है एम्प्लॉयर, तो इसमें दो कंडीशन है, अगर वो ओन्ड है मतलब जो गैस है उसका खुद ही गैस का बिजनेस है, या तो फिर उसने रेंट पे लिया है, रेंट में तो एक्चुअल पेमेंट होगा, जितना एक्चुअल पेमेंट उसने किया है वो टैक्सेबल हो जाएगा, और ओन्ड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच यूनिट, मतलब जो प्रोडक्शन यूनिट का कॉस्ट आया है वो टैक्सेबल है। एक बार वो पढ़ लेते हैं, कोई रेंटी सप्लाई की है लाइक गैस वाटर या इलेक्ट्रिसिटी, अगर उसकी ओन्ड है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच यूनिट, अगर रेंट पे लिया है तो एक्चुअल पेमेंट। अब है गिफ्ट, अगर कोई एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है तो वो 5000 रुपीज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, अगर वो 5000 रुपीज से ज्यादा का हुआ तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, और ये 5000 तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, तो ये गिफ्ट हो गया अपना। अब है लीव ट्रेवल कंसेशन LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल, अगर आप किसी को कुछ लीव दे रहे हैं और उसको छुट्टियां के लिए आप बाहर भेज रहे हैं, अगर वो इंडिया में जा रहा है तो उसका भी अपन प्रोविजन देखेंगे, और अगर फॉरेनर फॉरेन में जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले टैक्स दे के जाए, टैक्सेबल होगा ये, जो फॉरेन में जाने की कोई भी ट्रिप होगी वो टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल होगी। अगर इंडिया में वो जा रहा है तो एयर, अगर वो एयर से एयर में जा रहा है तो इकोनॉमी क्लास क्लास, बाय ट्रेन जा रहा है तो फर्स्ट क्लास एसी एसी, और अगर बस से जा रहा है तो एसी डीलक्स बस, एसी डीलक्स बस, अगर वो इन चीजों से जा रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, बट जो गवर्नमेंट का जो ब्लॉक है, एक गवर्नमेंट का ब्लॉक चलता है जो अभी चल रहा है 2014 से 2017 में तक, तो ये जो ब्लॉक होता है इसमें सिर्फ दो बार टू टाइम्स आपको
छुट्टी मिलेगी, और आपका ये जो है जैसे ईयर से जा रहे हो तो ये एग्जेम्प्ट है, और आप ये ट्रांसफर भी कर सकते हो दूसरे ब्लॉक में। इसे क्या बोलेंगे, ब्लॉक ब्लॉक। एक बार और देख लेते हैं अपन इसे, लीव ट्रैवल कंसेशन। मतलब आपको लीव मिली है और आपको ट्रैवल चल रहा है और कंसेशन मिल रहा है। अगर आप इंडिया में हैं तो आप अगर एयर से जाते हैं तो इकोनॉमी क्लास में टैक्सेबल नहीं होगा, अगर ट्रेन से जाते हैं तो फर्स्ट क्लास एसी, बस से जाते हैं तो एसी डीलक्स बक्स। लेकिन वो सिर्फ दो टाइम मिलेगा एक ब्लॉक में, जो 2014 से 17 तक चल रहा है, उसे टू टाइम से। अगर फॉरेन में जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। ओके, अब एक और है मेरे पास, पर्क्स इज इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन। मतलब आपकी कुछ ऐसी परेशानी आ गई है कि आप इंटरेस्ट फ्री लोन चाहते हैं, तो जो इंटरेस्ट होगा वो तो रेट्स प्रिस्क्राइब करेगा SBI। जो जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ लोन दिया है वो भी इंटरेस्ट फ्री, लेकिन गवर्नमेंट के लिए तो कोई इंटरेस्ट फ्री नहीं होगा, गवर्नमेंट तो लगा देगी टैक्स। तो पहले तो SBI प्रिस्क्राइब करेगा, और फर्स्ट डे ऑफ आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंसेस सिस। इसको मैं बता देता हूं, जैसे आपने लिया 100 रुपीज का लोन, हाँ मैंने लिया था फेब्रवरी में, तो मेरा एंड होगा 100 रुपीज फेब्रवरी में, मार्च में मैंने 10 रुपीज दे दिए तो 90 रुपीज। तो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, फर्स्ट डे ऑफ आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस मार्च में था मेरा 100 रुपीज, और अप्रैल में होगा जो 1 अप्रैल होगी 90 रुपीज। तो इसका मैं ले लेता हूँ 190, इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरा आएगा 95। जो 95 पे जो SBI का जो रेट होगा लाइक 10%, तो मुझे 95 का 10% कितना होता है, 9.5 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा। कुछ समझ में आया, एक बार और देखते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन मतलब आपको कोई ने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, पर गवर्नमेंट के लिए वो फ्री नहीं है। तो इसने बोला है कि फर्स्ट डे ऑफ आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, मतलब जो आपका मंथली बैलेंस होगा हर मंथ के आउटस्टैंडिंग, वो आप ऐड करते जाइए और डिवाइडेड बाय जितने मंथ्स का है। लाइक मैंने किया, फरवरी में मेरा 100 रुपये था, लेकिन जो 1 मार्च को होगा तो 90 हो जाएगा, और ये तो मैंने ऐड किया, 190 हुआ मेरा आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, कितने मंथ का है, 2 मंथ का, तो मैंने डिवाइड कर दिया, 95 रुपीज़ आया। और टैक्स इंटरेस्ट कितना चल रहा है, 10%, तो इसका 10% 95 रुपीज़, 9.5 रुपीज़। तो आप पर्कोसाइट्स खत्म हो गए हैं, अब पढ़ेंगे अपन रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स और डिडक्शंस हैं वो अपन पार्ट टू में पढ़ेंगे, पार्ट टू में। तो तब तक आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, दिस इज यज्ञ चोपड़ा साइनिंग ऑफ।